बीजेपी के निलंबित विधायक टी राजा सिंह ने एक बार फिर से भड़काऊ बयान दिया है। टी राजा ने इसराइल हमास युद्ध पर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के फिलिस्तीन समर्थन को लेकर भी निशाना साधा है। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक टी राजा ने कहा कि अगर मैं विधायक नहीं रहूंगा तो चुन चुन कर मारूंगा। महाराष्ट्र के अहमदनगर में एक रैली को संबोधित करते हुए टी राजा ने आगे कहा कि मैं जेल जाने से नहीं डरता हूं। अभी तक तो चुप था क्योंकि विधायक हूं। अगर हार गया तो लव जिहादियों को खुलकर फोड़ूंगा। हम मर्द हैं, इतिहास मर्द लिखते हैं सिर्फ। इससे पहले असदुद्दीन ओवैसी ने इसराइल हमास युद्ध में फिलिस्तीन का समर्थन करते हुए इसराइल को इस हिंसा के लिए जिम्मेदार ठहराया था। इस पर टी राजा ने पलटवार करते हुए भारत और इसराइल का झंडा लहराते हुए इसराइल का समर्थन किया। टी राजा ने कहा कि हिंदू राष्ट्र बनने दो, उसके बाद इनको हम पिंजरे में बांध कर पाकिस्तान भेजेंगे। टी राजा सिंह ने औरंगजेब की कब्र की ओर इशारा करते हुए कहा कि अफजल खान की कब्र जैसे तोड़ी थी, वैसे ही संभाजी नगर में भी एक कब्र है, उसी की कब्र भी उखाड़ना है और वहां पर एक शौचालय बनाना है। दरअसल 30 नवंबर को तेलंगाना में विधानसभा चुनाव होना है। मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी टी राजा का निलंबन वापस ले सकती है। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब टी राजा ने भड़काऊ भाषण दिया हो। इसी साल मार्च महीने में मुंबई में एक रैली को संबोधित करते हुए भी उन्होंने भड़काऊ भाषा का इस्तेमाल किया था। पिछले साल अगस्त महीने में भी टी राजा ने पैगंबर मोहम्मद पर विवादित बयान दिया था, जिसके बाद बीजेपी ने उन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया था।